मुझे अभी ये पार्सल प्राप्त हुआ है जिस पर ये डिस्क्लेमर रखा हुआ है, इस वजह से इसका वीडियो बनाना कंपलसरी है। हालांकि कोई भी अगर अनबॉक्सिंग होती है तो उसका वीडियो बनाता ही हूँ। बॉक्स मैं रिमूव कर चुका हूँ, उसके बाद में ये बबल रैप है, आइए इसको रिमूव कर लेते हैं। बबल रैप को हटाने के बाद में हमारे सामने ये दो कलेक्टर एडिशन संपूर्ण त्रिफना और संपूर्ण अग्रज आ जाते हैं विद सम नॉवल्टीज़, और ये अच्छे से श्रिंक रैप में पैक है। तो इस पॉली बैग को हटाते हैं, देखते कैसा है ये एडिशन। तो ये श्रिंक रैप में पैक है बुक बिल्कुल, और जोसफ वाली जो टेक्निक है कि हम इस श्रिंक रैप को हटाएं नहीं और इसी से इस स्लिप केस को कवर कर लें, तो वो मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। मैंने इसको ऐसे कट कर लिया, और इन दोनों ही जो कलेक्टर एडिशन है उसके ऊपर ये कुछ ब्रांडिंग भी दे रखी है, आई थिंक MRP उसमें मैंशनड है। चलिए इसको निकालते हैं। पहले स्लिप केस कवर से बाहर निकलने के बाद में ये संपूर्ण अग्रज की जो बुक हमारे सामने है, ये इसका स्लिप केस कवर है, और स्लिप केस कवर वाला ही आर्ट इसके फ्रंट कवर पे दिया गया है जो कि हेमंत कुमार जी ने बनाया है। बस जो टाइटल है ये गोल्डन, इसका बैकग्राउंड है, और ये जो प्लास्टिक जो संपूर्ण ड्रैकुला में हमको देखने को मिला था वैसा प्लास्टिक इसमें है। जगदीश जी की इंकिंग है, और आई थिंक इसका जो बैक कवर भी वैसा ही होगा, ऑफ कोर्स विद स्पोर्ट ही। नहीं, स्लिप केस कवर में दोनों तरफ अलग अलग आर्ट का यूज़ किया गया है, मतलब एक्चुअल आर्ट ये है, इसमें से इसको सिलेक्ट करके ये बनाया गया है, तो ये एक डिफरेंस है स्लिप केस कवर में और बुक में। बाकी जो स्लिप केस कवर में आपको जो एक्चुअल बुक है उसमें आपको स्पोर्ट यूवी का यूज़ मिल जाता है, और ये एक जैकेट कवर है। अगर आप जैकेट कवर को रिमूव करोगे तो आपको इसके अंदर वो आर्ट मिल जाती है इस बुक में जो आपको नहीं सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये भी आर्ट नहीं बनवाई है अनुपम सिन्हा जी से, संजय गुप्ता जी ने, क्योंकि संपूर्ण अग्रज का कलेक्टर एडिशन मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी आया था, बट उसमें अनुपम जी की दूसरी आर्ट थी। आई थिंक वो राजकुमार का है विभाजन होने के बाद की आर्ट थी, इसलिए संजय जी ने इसको यूज़ नहीं किया। तो ये संपूर्ण अग्रज कलेक्टर एडिशन 3 बुक्स का, और 3 बुक्स भी मेरे हाथ में है। मैंने बुक्स भी रख रखी थी जो हमारे पेपर बैग्स हैं मनोज गुप्ता जी के, उससे कंपेयर कर सकते हैं करना चाहिए तो। फिलहाल मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रखूँगा ताकि वीडियो छोटा बन सके, और दूसरे वाले जो कलेक्टर एडिशन है उसको भी इसको इसमें लिया जा सके। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कलेक्टर एडिशन है। प्राइस की बात करें तो ये इसकी प्राइस है, इसके बॉक्स में लिखी होगी 900 रुपये, और मनोज गुप्ता जी इसको रेगुलर साइज़ में लाए थे, वो अभी है नहीं मेरे पास में, उसका साइज़ ये था और उसका प्राइस था 700 रुपये अलॉन्ग विद नॉवल्टीज़, इनके साथ कोई नॉवल्टीज़ है नहीं, तो 900 रुपये ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है, बट इसका साइज़ बड़ा है और सिल्क केस कवर है इसके अंदर, और इसके अस्तर में ऐसी आर्ट यूज़ की हुई है। बैक में जो न्यू कवर्स हैं, चाहे वो हेमंत कुमार जी वाला हो चाहे अनुपम जी का वाला हो, उसकी मेकिंग की प्रोसेस दी हुई है, कुछ है इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ उसको देखा जा सकता है, कुछ ऐड दे रखे हैं, कुछ कवर आर्ट दे रखे हैं, अच्छा कलेक्टर एडिशन बोल सकते हैं इसको। इसका पेपर बैग डाइजेस्ट है मेरे पास संजय गुप्ता जी वाला, उसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो मेरी पुरानी लोकेशन में रखा हुआ है, ये इस लोकेशन पे मैंने इसको ऑर्डर किया है।